कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ा योगदान स्वास्थ्य विभाग का है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को लेकर कई जगह सवाल भी खड़े किए जाते हैं। तो वहीं मुरादाबाद के तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल के कार्यों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सराहना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान जब से ये महामारी शुरू हुई है तब से तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल के कोविड-19 हॉस्पिटल का हमें भरपूर मदद मिली है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय में वो ऐसे ही उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मदद करते रहेंगे जिससे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर TMU में एक कोरोना जांच की लैब का शुभारंभ भी किया गया जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से ऑनलाइन के माध्यम से किया। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मुरादाबाद का जिला प्रशासन कोरोना महामारी को लेकर बेहतर काम कर रहा है और हमें आशा नहीं पूर्णता विश्वास है कि तीर्थांकर महावीर हॉस्पिटल और जिला प्रशासन के साथ साथ सरकार मिलकर इस कोरोना महामारी का खात्मा करेगी। इस अवसर पर विधायक राजेश कुमार चुन्नू और TMU के कुलाधिपति सुरेश जैन और मनीष जैन के साथ साथ जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह के साथ TMU के सभी डॉक्टर मौजूद रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के TMU कोविड-19 अस्पताल में कोरोना की जांच हेतु अत्याधुनिक लैब का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कोविड-19 में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने TMU कोविड-19 की सराहना की और कहा, महामारी के दौरान तीर्थंकर महावीर कोविड-19 हॉस्पिटल की पहले दिन से ही हमें मदद मिल रही है और इस महामारी के खात्मे के लिए इस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें आशा है कि वो ऐसे ही सरकार के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। इस अवसर पर जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सुरेश जैन, ग्रुप वाइस चेयरमैन मनीष जैन, किसान तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल के डॉक्टर मौजूद रहे। ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। जी सर। और हमें बहुत अच्छी मदद पहले दिन से तीर्थंकर महावीर जो मेडिकल कॉलेज है पहले दिन से ही प्रदेश सरकार के साथ जुड़ करके बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। धन्यवाद। और मैं बधाई देता हूँ सबसे पहले आपके पूरे प्रशासन को। धन्यवाद सर। ये आज आपको इस मेडिकल कॉलेज को BSL 2 लैब यहाँ पर प्राप्त हो रही है और मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि हर मेडिकल कॉलेज में चाहे वो गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो उन सब में लैब स्थापित होनी चाहिए और मुझे लगता है कि तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज उस लैब को प्राप्त करने वाला निजी क्षेत्र का जो पहले मेडिकल कॉलेजेज हैं 3 उनमें से एक है सर। मैं आपके पूरे कॉलेज प्रशासन को प्रबंधन को सबको मैं बधाई देता हूँ, वहां के जिला प्रशासन को, वहां के जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आगे यहाँ पे संपन्न हो रहा है। आपके यहाँ कितनी क्षमता है सर? हम 96 टेस्ट एक शिफ्ट में कर सकते हैं सर। आपके पास मैन पावर है सर? हमारे पास मैन पावर है, 7 माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं जो ट्रेन है सर। NABL का हमें क्लियरेंस मिल गया है, ICMR का भी क्लियरेंस मिल गया है सर। देखिए आपकी क्षमता बढ़ सकती है, 96 टेस्ट तक सीमित मत रखिए। पूल टेस्टिंग को अगर आप बढ़ा देंगे दूसरा 2 शिफ्ट में अगर आपके पास 6 माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जी सर, आप अच्छे वहां पे टेक्नीशियन रख करके उनकी ट्रेनिंग करवा देंगे तो मुझे लगता है कि 500 टेस्ट प्रतिदिन आप लोग कर सकते हैं इस लैब में। बिल्कुल कोशिश, और बहुत अच्छे ढंग से आप इसको रन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। और ये उस पूरी कमिश्नरी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है, केवल अभी यही इसी केवल कोविड-19 की दृष्टि ही नहीं, ये आगे फ्यूचर में भी जो चैलेंज हमारे सामने आने वाले हैं उस दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस दृष्टि में तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज प्रशासन से, वहां के प्रबंधन से भी इस बारे में कहूंगा कि हम लोगों को आगे की लड़ाई लड़ने के लिए उसी रूप में अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और तीर्थंकर महावीर को वहां पे सैंपल मिले, वहां का जिला प्रशासन उनके साथ संवाद बना करके अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ा देंगे। मैं इसके लिए तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं। धन्यवाद। और पूरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। धन्यवाद।